बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता 3 दिनों से पाकिस्तान का वफद फैटर प्लेनरी में शिरकत के लिए बर्लिन में मौजूद है। पाकिस्तान के 2018 और 2021 के एक्शन प्लान्स और उनकी टेक्निकल इवैल्यूएशन यहाँ पे कंसिडर हुई। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि फैटर ने यूनानिमसली पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस फैटिफ प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है और उस प्रोसीजर के मुताबिक एक टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ये टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम अक्टूबर 2022 के प्लेनरी साइकिल से पहले अपना काम इख्तिताम करे और हमने उनको इंश्योर किया है कि वी विल इंश्योर देयर कम्फर्ट, ईज, और उसके साथ इंशाल्लाह अक्टूबर 2022 में ये हमारा फैटर की ग्रे लिस्ट पे निकलने का प्रोसेस इख्तिताम पे पहुंचेगा। मैं पूरे कौम को यकीनन कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ और मैं यहाँ अक्नॉलेज करना चाहती हूँ बेहद मेहनत और बर्निंग द मिडनाइट ऑयल जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने किया और जो कि मेरी टीम बर्लिन में मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने रियली बहुत ज्यादा मेहनत की और आई थिंक व्हाट वाज अ प्लेजर वाज कि वो मेहनत अक्नॉलेज हुई, रिकग्नाइज हुई और अब हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन के अहेड ऑफ द कर्व ही रहे। सो वंस अगेन मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।